उन्हां को भी रिश्ते अकदो अजदवाज दे विच परो छोड़ो। मालिक फरमाए इन यकूनु फुकरा युग्निहिमुल्लाहु मिन फजलिह, अगर वो बंदे अकद तो पहले निकाह तो पहले तंग दस्त हो सन गरीब हो सन, मैं अल्लाह अपने फजल दे नाल उन्हां को गनी ते अमीर कर छोड़े सन। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला बड़ा जानन वाला है। इस आयत के पेश नज़र इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दा इरशाद है, मन तरक तज़वीजा लिमखाफत अलईलत फकद असा ज़न्नहु, अल्लाह ने निकाह दी बरकत नाल अपने फजल दे नाल तवंगरी और अमीरी दा वादा फरमाए। लेकिन कोई बंदा अगर अल्लाह दे वादे उते एतमाद न करे, भरोसा न करे और शादी को इन वास्ते मौखर करे, जो मैं पहले तंग दस्तां, मेरा दस्त को शादा नहीं, बाद इच मैं अपनी बीवी दे अखराजात कीवें बर्दाश्त करे सां, इमाम दा फरमाने फकत असा ज़न्नहु, इस बंदे ने अल्लाह दे वादे उते भरोसा नहीं कीता, बल्कि अल्लाह ताला दी जात उते बदगुमानी कीती। तो लिहाजा फाकर और तंग दस्ती दे खौफ की वजह तो इंसान शादी को मुअख्खर नहीं कर सकता। वैसे शरीयत मुकद्दसा दे अंदर शादी करना सुन्नत मुअक्कद है, लेकिन कुछ ख़ास हालात ऐसे होने जिन्हां दी बुनियाद उते शादी वाजिब थी रहती, और वो केरे हालात इन यानी जिहड़ा इंसान को हराम दे विच मुबतला थीवण दा खतरा होवे, तो उसे ले फिके आले मुहम्मद उस हुक्म यह है जो हुण तुहाडे उते शादी करना वाजिब है, लेकिन जदा शरण वाजिब थी वजे इंसान बुख दे और तंग दस्ती दी वजह तू शादी न पिया करेंदा होवे, तो वो इंसान दुगना गुनाहगार थींदे। एक इंसान शादी न करण दी वजह तो और बिया अल्लाह दी जात दे उते बदगुमानी करण दी वजह तो, अलबत्ता साडे रसूम और रिवाज कुछ इस नहज दे उते चल चुके हैं कि असां गलत सीमत दे उते अपना रुख मादी दुनिया दे पिछू लग गए हैं, अहकामात खुदाबंदी को भूल गए हैं। मेरे मोहतरम, कुछ इबादत ऐसी हैं कि उन्हां दे पहले या बाद दे विच खुतबात हैं, खुतबा यानी तकरीर खिताब, जिमें नमाज जुमे उस तो पहले दू खुतबे असा सुनने, नमाज ईदैन दे बाद दू खुतबे, इवें को अक दे निकाह तो पहले एक मुख्तसर जिया खुतबा अरबी दे चंद अल्फाज पढ़ा वेंदे। हाँ, ज़्यादा मुनासिब है जो इंसान आयात रिवायात और अहादीस और उलमाए आलाम दे जिंदगी दे या आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम दी ज़िंदगी दे जितने वाक़ियात इन मदा उन्हां को बयान करे, ताकि इंसान दे दिल दे विच एक ईमान दी चमक मजीद रोशन थिए। शादी को इतना प्रॉब्लम नहीं जिसको असा बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम बढ़ा छुड़ेने हैं। नबियां दे सुल्तान दे ज़माने दे विच एक औरत ने सहाबा दा मजमा और अल्लाह दे रसूल दी खिदमत दे विच एक औरत आ गई। मैं इस टाइम बगैर शोहर दे हाँ, हजरत उसका मकसद समझ गए, अपने सहाबा दे कोलो पुछ देने के कोई है जरा इस औरत दे नाल शादी करन दे उते आमादा होवे। एक सहाबी उठे और बैठे, इसका उठना और बाहना एक खास गारी आई, यानी भाई मैं आमादा हाँ। हजूर ने उसके कोलो सवाल किया, क्या तेरे कोलो हक मार दी कोई चीज़ है? तो उन्हें अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मेरे कोलो माल दुनिया दे विच कोई चीज़ को नहीं। हजरत फरमाए हक मार दे बगैर तो शादी थी भी नहीं सकती, हक मार तो एक अहम रुकन है। उसके बाद हजरत ने दोबारा सारे सहाबे कराम को खिताब किया, तो उन्होंने कोई ना उठा मगर वो जरा पहले उठे। हज़रत पर मैंने क्या हक मार चु कोई चीज़ रखते हैं? अर्ज़ करें दे जी या रसूलल्लाह, पहले अर्ज कर चुका, मेरे को हक मार ना दी कोई चीज़ को नहीं। हज़रत ने त्रीजी दफ़ा वक्त कि हे कोई जरा इस कनीज़े खुदा दे नाल शादी करे, तब त्रीजी मरतबा भी वो सहाबी उठे। हज़रत हुण पुछदे
अगर तेरे को माले दुनिया दे विच देवन दी कोई चीज़ कोनी तो क्या एदा साथ तू कुरान पढ़ोया है। हूँ अर्ज की मौला मेकू एक सूरत याद है। हजरत उस औरत दे पास मुखातिब थी के फरमैने क्या कनीज़े खुदा क्या इस हक मार दे उते कि इसको एक सूरत कुरान याद है। अगर ए ते को तालीम देवे क्या तू आमादा है इस दे नाल शादी करन ते। हूँ आखा मैं राजी हूँ। हजरत ने उसे हक मार को इस सूरत को कि भई ए तू इसको याद कर वैसे इस दी बुनियाद उते हजरत ने निकाह पढ़ के जोड़ा बना छोड़ा। हिकाले में दीन ने बड़ा प्यारा जुमला आख है कि ए औरत आई ये तनहा बगैर शोहर दे ए मर्द ए तनहा बगैर बीवी दे। लेकिन इन इस्लाम दे अंदर शादी दा एक कंसेप्ट है कि कितनी आसानी दे नाल हजरत ने एक मियाँ को दू मर्द और मस्तूर को एक बैदा मियाँ ते बीवी बना। ऐसे काफ़ी सारे वाकयात इन रसूल इस्लाम दी जिंदगी दे विच इवें को उलमाए कराम दी जिंदगी दे विच भी ऐसे वाकयात इन एक मुख्तसर जियाँ मैं को वक्त एहसास है सिर्फ दो मिनट। फैज़ काशानी दा तुसना सुनोया उसी एक बहुत बड़े आलम दीन गुजरे काशान दे विच इलमी काबिलियत दे विच अपना सानी नाम रखें दे। जेले बहुत सारी तालीम हासिल करके अपने वतन काशान पहुँचे तो उस जमाने दे विच एक मुहम्मद नामी शख्स है जरा बहुत बड़ा अमीरो कबीर है। उन्हें दिखा कि माले दुनिया दे विचों मेरा मुकाबला करने वाला काशान दे विच कोई नहीं। माली तौर उत्ते मैं बहुत मजबूत हाँ लेकिन इलमी तौर उत्ते मुला फैज़ काशानी मजबूत हैं। तो उन्होंने एक बेटी है मैं आपके निकाह करना चाहना उन्हें खस्तगारी भेजी। फैज़ काशानी चूँकि इस्लाम दे विच तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिहाजा उन्हें बड़ी आसानी दे नाल इन खास्तगारी को कबूल किया। लेकिन खास्तगार आके आखा के किबला तुसा मुहम्मद को तो जान दे आओ लेकिन इतफाक दे नाल काशान दे विच मुहम्मद दू हन एक बहु अमीर है ते बिया बहु गरीब है। जरा बहुत बड़ा अमीर है अमारत दे विच उसका कोई सानी नहीं लेकिन जरा बहु ज़्यादा गरीब है ओ मस्जिद दी झाड़ू बरदारी करेंदा है। फैज़ काशानी जिवें नमाज जमात वास्ते मस्जिद विच वेंदे हन तो ओ उस मुहम्मद को दे दे हन कि जरा मस्जिद दी सफाई करेंदे दरिया बिछेंदे भला नमाज दे बाद उन्हां को फोल्ड करके अंदर रख छुड़ेंदे। एक दू दीवारा तक तो फैज़ काशानी ने इंतज़ार किया कि मुहम्मद मेरी बेटी का रिश्ता गिनने वास्ते आसी लेकिन जरा जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो एहतमाम पै गए खर्च खराजात दे विच मसरूफ थी गई है। लेकिन मुतमइन ते खुश आई दू दीवारा दे इंतज़ार दे बाद मुल्ला फैज़ काशानी ने चूँकि उस मुहम्मद को जानने जरा मस्जिद की खिदमत करेंदे मुल्ला फैज़ काशानी ने उस मुहम्मद की तरफ पैगाम भेज दिता कि जेरी मेरे घर बेटी मौजूद है ये तेरी होमण वाली बीवी है तेकू किस चीज़ की इंतज़ार है तू आ ते अपनी बीवी को घिन मान जदा इस मुहम्मद दो पैगाम पहुँचे तो हैरान थी। ऊँ तो ना कोई खास गारी भेजी तो ना कोई किस्सा और ना कोई बात आई लेकिन वत भी मुतमइन थी कि भाई चूँकि आलम दीन ही मेरे को अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हो सन क्योंकि खास्तगारी वास्ते ये ज़रूरी नहीं जो इन मर्द बन के खास्तगारी करे बल्कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जदीद हालात और इन्हें तकाजों को देख के लोग अपनी बच्चियाँ वास्ते भी रिश्ते तैयार तलाश करें और करने भी चाहिए इस इस्लाम कोई कबाहत नहीं। तो लिहाजा जरा उन्हें उस मुहम्मद तो जरा मस्जिद का खिदमत गुजारे पैगाम भेजा तो बड़े खुश भी थी गए कि चूँकि आलम दीन इन लिहाजा मेरे को अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं। वो मुख्तसर जी एहतमाम दे बाद आके तो मुला फैज़ काशानी दे कोलू पहुँच गए लेकिन जरा उस मुहम्मद को पता लगा जरा अमीर व कबीर आई जरा पहले खास्तगारी कर चुका है हैरान और परेशान थी गए पैर तलु ज़मीन निकल गई है और भला उसे खास्तगार को भला दोबारा भेजा कि खास्तगारी तो मैं की थी तो वो तो अपनी बेटी का रिश्ता उस मुहम्मद को पे देने तो उस मोहम्मद मुला फैज़ काशानी ने जरा जवाब दिते उन्हें फरमाए मैं को इस चीज़ का पता नहीं जो वो अमीर व कबीर मेरी बेटी का खास्तगार है तुसा जो आखे तुसा मुहम्मद को जान दे मैं जिस मुहम्मद को जानना हम वो ये मस्जिद का खिदमत गुजारे लिहाजा मेरी बेटी हूँ इस मुहम्मद की बीवी है उसकी नहीं। तो लिहाजा यह इस्लाम दे विच कोशिश करनी चाहिए हत्ता तुल इमकान अल्लाह ताला दे अहकामात उत्ते
क्योंकि जितनी ज्यादा शादी महंगी थी सी उतना ज्यादा जिना गोया के सस्ता थी सी। हालांकि होना यह चाहिए जिना महंगा और शादी सस्ती, क्यों शादी की अहमियत बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया मेरा उम्मती खावण का हकदार नहीं और जिना की मुजम्मत वास्ते इतना काफ़ी कि अली मौला फरमाने मा जिना गयूर कतो कहीं कोई मर्द औरत गलत ताल्लुकात नहीं रखेंगे जेरे गैरतमंद बने। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अल्लाह ताला दे सारे अहकामात के मजीद।